फ्रेंड्स, समय का जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इसका उपयोग और दुरुपयोग, यही हमारा भविष्य तय करता है। अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि मेरे पास समय नहीं है, या किसी काम को करने के लिए अब मेरे पास समय नहीं बचा। लेकिन क्या ये सच है? क्योंकि 24 घंटे के दिन में ही कितने लोग कितने सफल हो जाते हैं और बाकी के लोग समय का रोना रोते रहते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने समय को प्रायोरिटी के हिसाब से मैनेज करें। हमारे जो भी इम्पोर्टेंट काम हैं उनको एक टाइम टेबल बनाएं और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैनेज करें। बिना मतलब के फ़ोन यूज़ करना, टीवी देखना, लेटे रहना आपको समय से बहुत ही पीछे खींच रहा है। तो अपने टाइम को सही जगह यूटिलाइज करें और कुछ नया सीखने या करने को अपने लिए भी टाइम निकालें। तो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं और मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे परिवार में। तो ये मेरा थर्सडे इवनिंग का ब्लॉग है। तो अभी निवि के पापा ऑफिस से आ चुके हैं और निवि बैठी उनसे बातें कर रही थी। हाँ, ऐसा है तो मम्मा ऐसी है, पापा गोरेला है। मम्मी सिलीवेर, कोई बात नहीं, सिलीवेर। और आप कौन हो? निवि है रैबिट। मैं मासा हूँ। सी फॉर, सी फॉर कंप्यूटर, सी फॉर कार, सी फॉर कलर्स, सी फॉर पापा कैसे? क्रीम, जिसकी मुझे बहुत जरूरत है क्योंकि मैं काला हूँ। मम्मा ऐसी है, टायर्ड है मम्मा, लेजी है मम्मा, चिल्ली है मम्मा। ये मेरा वो ब्लैंक पेपर एक्चुअली। बस बस बस, पता चल गया है, पता चल गया कौन गोरेला है और कौन सिली है। और ये सिली है, सिली पिली, स्लिपरी है, स्लिपरी है, स्लिपरी है। आज निवि को मम्मा ने कहीं बंद किया था, कहाँ? वॉशरूम में। वॉशरूम में। और निवि कैसे रोई थी? बहुत तेज रोई थी निवि। कैसे रोई थी? मम्मा 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 नहीं, मम्मा नहीं, मम्मा नहीं, ऐसे रोई थी। मैं बाथरूम को बटे डोर कैसे खोल रही थी, ऐसे ऐसे कर दे। निवि कैसे डोर खोल रही थी? वॉशरूम में बंद क्यों किया था? वॉशरूम में बंद क्यों किया था मैंने? कि मैंने क्यों किया था वॉशरूम में बंद? क्यों किया था ये तो बताओ ना। क्यों बंद किया मैंने? क्योंकि मम्मा को रुलाए। मम्मा को रुलाए। मम्मा को रुलाया है? गोरिल्ला। मम्मा गोरिल्ला है तो इसलिए गोरिल्ला ने एक मंकी को बंद कर दिया। चीखती है बिना मात के। तो अभी मैं बना रही हूँ इनके लिए अप्पे, और मैंने निवि के लिए ये बैटर डाला हुआ था, इसी का मैं निवि के लिए चीले बनाती हूँ। तो ये सूजी के चीले बनाती हूँ मैं। तो इसमें मैंने केवल प्याज, टमाटर और हरी मिर्च वगैरह ये मैंने डाल दिया है। और वैसे निवि के लिए बैटर मैं निकाल के रख चुकी हूँ और उसके बाद में मैंने इसमें मिर्च मिलाई है, मसाले वगैरह मिलाए हैं। तो निवि के लिए मैंने चीले का अलग रख दिया है, पर निवि कह रही है कि वो अप्पे खाएगी, तो अगर वो खाएगी तो उसको भी दूंगी। तो ये बस मैंने बैटर अपना तैयार कर लिया है और अब मैं इसको रखूंगी, इसलिए मैंने इसमें मिला लिया है इनो। और ये मैंने दोपहर में ही मतलब इसको दही में भिगो के रख दिया था सूजी को। तो अब ये मेरा काफ़ी अच्छा हो चुका है बैटर रेडी। तो अप्पे के जो सांचा है उसमें मैंने कर ली है थोड़ी सी ऑयलिंग, और वैसे तो ये नॉन स्टिक है बट मैं फिर भी इसको मैं पहली बार बना रही हूँ। एक्चुअली मेरे पास सांचा नहीं था और मैं बहुत टाइम से सोच रही थी अप्पे बनाने का, तो सांचा नहीं होता था तो बना नहीं पाती थी। तो हस्बैंड ने तो खैर कभी खाई नहीं है तो बोले थे, उन्हें तो पता ही नहीं था कि क्या होता है। तो इसलिए मैं कल ही सांचा लेकर आई हूँ इसका। और ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी सी मेरी बॉल्स बन गई है, इनको पलटने में मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। और इसके साथ के लिए अभी मैं इसमें चटनी भी बनाऊंगी, तो मैंने चटनी के लिए भी टमाटर जो है उसको भूनने के लिए रख दिया है। तो मेरे अप्पे रेडी हैं और साथ में चटनी भी, तो ये बहुत ही टेस्टी बने थे। तो ये मेरा ब्लॉग फ्राइडे मॉर्निंग का है और मेरा लंच वगैरह बन चुका है और निवि के पापा ऑफिस जा चुके हैं। आज अभी बस ब्रेकफास्ट में मैंने सैंडविच बनाए थे और ये फ्रूट्स काफ़ी दिन से रखे हुए थे तो इन सबको मैंने कट कर दिया है। जैसे रखे रहेंगे यहाँ सामने तो सब लोग खाते रहेंगे, और जब कोई भी चीज़ मुझे सभी को खिलानी होती है ना तो मैं ऐसे ही कट करके उसको ऐसे ही टेबल पर रख देती हूँ, जिससे निकलते फिरते हम लोग उसको खाते रहते हैं। तो आज मुझे एक जगह जाना है फंक्शन में, तो बस उसके लिए मैंने सोचा था कि अपना अभी इसे हेयर स्ट्रेट कर लूँ, क्योंकि मेरा यही होता है जब मुझे कहीं जाना होता है ना तो मैं दिन में ही पहले से ही अपने हेयर्स वगैरह स्ट्रेट कर लेती हूँ, क्योंकि शाम को तो जब फिर रेडी होते हैं तो इतना टाइम नहीं रहता है। तो आज मैंने हेयर स्ट्रेट करने से पहले अपने बालों में थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगाया था।
ऐसा मैंने एक वीडियो में देखा था, तो मैंने सोचा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। तो इससे बालों में थोड़ी शाइन तो आई है और थोड़ा बाल भी स्मूथ हो गए हैं। और वैसे भी ये मेरा स्ट्रेटनर जो है ये भी काफ़ी अच्छा है, मतलब इससे बाल जो हम स्ट्रेट करते हैं तो काफ़ी सिल्की सिल्की से बाल हो जाते हैं। और मेरे बाल क्या है ना, बहुत ही ज़्यादा रफ हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेढ़े मेढ़े से हो जाते हैं, मतलब ना ही पूरे कर्ली रहते हैं ना ही एकदम स्ट्रेट रहते हैं, इसलिए मुझे स्ट्रेटनर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। और अब मैं करूँगी अपनी साड़ी को आयरन, तो मैं आज ये वाली साड़ी पहन के जाने वाली हूँ। और जब भी मैं अपने बेड में से साड़ी निकालती हूँ ना, तो वैसे तो वो पैक करी हुई आयरन करके ही रखती हूँ, पर एक बार क्या होता है जो उसकी जहाँ से फोल्ड करते हैं ना, तो उसमें फोल्ड फिर जब हम पहनते हैं तो अच्छे से बनती नहीं है। और वैसे तो मुझे साड़ियाँ पहनना बहुत ही अच्छा लगता है, पर जब मुझसे कोई काम ना कराया जाए, बस मतलब पहन के बस ऐसे घूमना हो, तो उसके लिए मैं पहन सकती हूँ। तो बस आज मैंने सोचा चलो साड़ी पहन के जाते हैं। और वैसे भी शादी फंक्शंस वगैरह जब भी कहीं कुछ होता है बर्थडे वर्थडे में तो अच्छा लगता है। और आज इनके ऑफिस का मतलब फंक्शन था, इनके फ्रेंड हैं उनके घर में फंक्शन था, तो पहली बार जा रहे थे और सबसे मिलना था, तो इसलिए और सोचा कि नहीं थोड़ा ट्रेडिशनल पहन के चलते हैं। और मेरे पास जितनी भी साड़ियाँ हैं वो सारी मेरी शादी की साड़ियाँ हैं, मतलब जब शादी में मुझे मिली थी जो मैंने ली थी वही सारी साड़ियाँ हैं। शादी के बाद से आज 6 साल हो गए हैं, तब से मैंने अपने लिए एक भी साड़ी नहीं खरीदी है, क्योंकि वैसे बहुत ज़्यादा पहनना होता नहीं है, तो ड्रेसेस वगैरह लहंगे वगैरह ये मैंने खरीदे हैं, पर साड़ी मैंने कभी नहीं खरीदी। और अब जितना कॉस्मेटिक वगैरह या जो मैचिंग इयररिंग्स वगैरह जो कुछ भी मुझे पहनना है वो सारा सब कुछ मैं पहले से ही निकाल के रख लेती हूँ, जिससे जब मैं रेडी हूँ तो सारा सामान मेरे आंखों के सामने सब रहे, क्योंकि होता है जब हम तैयार होते हैं ना तो सारा सामान इतना ज़्यादा बिखर जाता है, मतलब मेरी पूरी ड्रेसिंग पूरी इतनी ज़्यादा बिखर जाती है, तो इसलिए मैंने ये सारा सामान अपना निकाल के रख लिया है। जो भी कुछ ये निकाला मैंने ज़्यादा है पर मैं लगाऊंगी नहीं, तो ये मैंने 2 ईयरिंग्स निकाले हैं जो भी मुझे पहनना होगा, और ये मैंने साड़ी को हैंग करके ऐसे ही टांग दिया है जिससे ये ख़राब ना हो जाए। तो अभी बस मैं निवी को मिल्क दे रही हूँ और उसके बाद अभी 5 बज रहे हैं, फिर पहले मैं करूँगी निवी को रेडी, उसके बाद होगी मैं रेडी होंगी। और पहले ये भी देख लूँ निवी के पापा कितने बजे तक आते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो हम रेडी होकर बैठ जाएं उनको आने में लेट हो जाए। और आज मौसम भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं आंधी पानी आने वाला है। तो बस तब तक निवी को दूध पिलाती हूँ मैं। तो अभी ये ऑफिस से आए नहीं हैं और मैंने अपना, खैर कपड़े वगैरह मेरे आयरन हो गए हैं, मैंने अपना सारा मेकअप वगैरह सब कुछ पहले से बाहर निकाल के रख दिया है, क्योंकि जब लास्ट मोमेंट पे जब रेडी होती हूँ ना तो सारा सामान जब ड्रेसिंग में से निकालती हूँ तो आधा आधा यहाँ वहाँ गिरता है, और चीज़ें आधी लगाती हूँ आधी नहीं लगाती हूँ, आधी याद नहीं रहती हैं तो समझ नहीं आता है, तो उस टाइम चीज़ें मिलती नहीं है और बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है सब कुछ। तो मैं सारा सामान क्या करती हूँ, पहले से ही सारा सब कुछ निकाल के रख लेती हूँ, जिससे जब रेडी, निवी उसको टच मत करो, जिससे जब रेडी होती ना तो सारा सामान सामने रहता है तो थोड़ा जल्दी तैयार हो जाते हैं, तो टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। तो बस अभी निवी के भी कपड़े वगैरह सब निकाल के मैंने ये रख दिए हैं, और भी सामान सारा फैला हुआ पड़ा है मेरा। और एक बार फिर से स्ट्रेटनिंग करूँगी थोड़ा सा हल्का सा, क्योंकि अभी क्लेचर वगैरह लगा लिया था, तो थोड़ा मेरे बाल ना चाहे जितना भी कुछ भी कर लो, मतलब कितनी बार भी स्ट्रेटनिंग कर लो और बहुत ही जल्दी वो फिर से अपने नॉर्मल जैसे होते हो ना, वो वैसे एकदम गंदे से फिर से हो जाते हैं, तो बहुत ही मतलब ज़्यादा मुझे करना पड़ता है। तो मैं ये लेकर आई थी, मैं उनके यहाँ, मुझे जहाँ जाना है वहाँ पर उनके बेटे का मुंडन है, बर्थडे नहीं है मुंडन है, निवी तब से बर्थडे बोल रही, तो मेरे दिमाग में भी यही है कि बर्थडे है, तो ये मैंने गिफ्ट पैक कर दिया है। एक्चुअली लेकर मैं ऐसे ही आई थी, क्योंकि कपड़े की शॉप पे वो गिफ्ट पैक करते नहीं है, तो मैंने फिर इसको पैक कर दिया है। मैंने 2 जोड़ी कपड़े लिए थे, लड़के के लड़का है तो मैंने उसके लिए 2 जोड़ी कपड़े लिए थे, और पहले सोच रही थी 1 जोड़ी कपड़े और एक कोई गेम दे दूँगी, पर फिर जो गेम वगैरह जो हम लोग सोच रहे थे ऐसा कुछ हमें मतलब अच्छा कुछ नहीं मिला, तो फिर जब मैंने कपड़े लिए फिर बाद में कपड़े लेने बाद में गई, तो फिर मैंने सोचा चलो 2 जोड़ी कपड़े ले लेते हैं। तो मैं और निवी दोनों ही रेडी हो चुके हैं और ये भी ऑफिस से आ चुके हैं, तो बस थोड़ी ही देर में हम लोग निकलते हैं। और बताइएगा साड़ी कैसी लग रही है, मैं वीडियो क्लिप नहीं बना पाई जब मैं रेडी हो रही थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं और हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा दूर जाना है, मतलब ऐसे ही 30-35 किलोमीटर के लगभग है, और अभी 7 बजे का टाइम बोला था कि 7 बजे चलेंगे, पर अभी इस घर पे ही 8:30 हो चुका है और पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो हम लोग काफ़ी लेट हैं। और इनके एक फ्रेंड भी हैं, वो भी हम लोगों के साथ जा रहे हैं, और निवी ये ज़बरदस्ती हम मुझसे बोली थी कि मुझे भी आप लिपस्टिक लगा रही हो, मुझे भी आप लगाओ, तो मैंने इसको लिप बाम लगा दी थी फिर, और मैंने बोल दिया नहीं ये लिपस्टिक है, क्योंकि उसमें भी कलर था। तो ये हम दोनों ही लोग रेडी हो चुके हैं,
तो मैं बहुत ज़्यादा क्लिप्स वगैरह नहीं बना पा रही थी क्योंकि लेट हो गई थी, तो हस्बैंड भी गुस्सा कर रहे थे और इनके फ्रेंड भी थे, वो हम लोगों का वेट कर रहे थे जिनको हमारे साथ जाना था, और हम लोगों को लग रहा था कि हम लोग 10 बजे से पहले वहाँ नहीं पहुँचेंगे, तो ये बार बार कह रहे थे पार्टी ख़त्म हो जाएगी तब तक हम लोग पहुँचेंगे, तो इतना सजने संवरने का कोई मतलब नहीं है। तो बस चलिए, जब तक ये भी अपना शूज़ पहन रहे हैं तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ। तो ये मैंने अपनी वॉच पहनी है जो कि मेरी साड़ी की मैचिंग की है, और ये मेरा पर्स है जिसमें फ़ोन और हैंकी के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो बस चलिए चलते हैं। और जितनी भी मैंने घर से साड़ी को आयरन की थी ना, निवी ने मेरी सारी ही आयरन सब एक सी बराबर कर दी है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन, तो वहाँ पर इनके फ्रेंड हमको मिलेंगे, उनको हम लोग लेंगे, फिर हम लोग निकलेंगे। जब हम किसी ऐसी जगह जाते हैं ना जहाँ कोई हमें ज़्यादा जानता नहीं है, मतलब इनके फ्रेंड का फंक्शन था तो केवल इनका फ्रेंड ही हमें जानता था, और वो भी वहाँ बिज़ी थे क्योंकि घर का फंक्शन होता है तो घर वाले तो बिज़ी होते ही हैं, तो हम लोग बस बैठे बैठे बातें कर रहे थे और म्यूज़िक सुन रहे थे, बैठे बैठे डांस कर रहे थे। तो हम लोगों को मतलब बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि अभी हम लोगों को घर भी जाना है, इतनी दूर जाना है। और जहाँ ये फंक्शन हुआ था वो भी बहुत शानदार जगह थी, मतलब आप लोगों को देखने से भी लग रहा होगा, मतलब हम लोग तो जब वहाँ एंट्री की हम लोगों ने, तो मुझे तो लगा कि शायद हम लोग किसी शादी में आ गए हैं, पर काफ़ी अच्छा फंक्शन उन्होंने किया था। तो और पूरा सारे लोग यहाँ से जा चुके थे, पूरा ग्राउंड भी देखिए आप सब खाली हो चुका है, हम ही लोग बस लास्ट तक बैठे हुए थे। और मैं इनसे बार बार कह रही थी कि जब तक वो नहीं कहेंगे तो क्या आप चलोगे नहीं, और बाहर आके भी बच्चे खेलते रहे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं ब्लॉग को भी एंड करती हूँ और जल्दी मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बाय बाय एंड टेक केयर।